वेलकम बैक टू राखीज यूनिक फूड। आज हम बनाएंगे बेसन से एक तरह की नमकीन या फिर मठरी। आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। खाने में बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त लगती है। आपने लंबी समय तक बना के इन्जॉय कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये झटपट से बन के तैयार हो जाती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बेसन के नमकीन क्यूब्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे एक कप बेसन। साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1/4 कप चावल का आटा, आधा चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्ची पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, जिसे हम हाथों पर लेकर क्रश करके डालेंगे। इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी और साथ ही में फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा। अभी हम इसमें डालेंगे 1/4 से थोड़ा कम ऑयल। यहाँ पर आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद हाथों की सहायता से रब करते हुए सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को हमने मिक्स करके ले लिया है। अब हम चेक करेंगे कि इसमें मोइन है वो अच्छे से हुआ है या नहीं। तो इस तरीके से हम जब इसकी मुट्ठी बांधेंगे तो आप देख सकते हैं मुट्ठी है वो काफ़ी अच्छे से बंध रही है। तो मोइन है वो काफ़ी अच्छे से हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है, जब भी आप डो लगाएं तो आप थोड़ा थोड़े पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप एक साथ पानी डाल देंगे तो आपका जो डो है वो गीला हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा डो है वो लग के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं हमने किस तरीके का डो लगाया है, एकदम सॉफ्ट डो लगा के हमने तैयार किया है। अब हम इसमें से छोटी छोटी सी लोई तोड़ के तैयार कर लेंगे इस तरीके की। अब हमने यहाँ पर लिया है चकला। चकले पर लोई को रख के हम इस तरीके से रोल आउट करेंगे और इसकी पतली पतली सी स्ट्रिप्स तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली इनको कट करते जाएं क्यूब्स की साइज में, इस तरीके से जैसे मैं कट कर रही हूँ, या फिर आप स्ट्रिप्स बना के एक साथ और जब कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके इस तरीके से छोटे छोटे से क्यूब्स कट करके ले लिए हैं। इसी तरीके से सभी क्यूब्स हम कट करके ले लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं और आप इन्हें लंबे समय तक स्टोर करके इन्जॉय कर सकते हैं और ये हेल्दी भी रहती हैं। तो इसी तरीके से सभी स्ट्रिप्स हमने बना के और कट करके ले लिए। आप देख सकते हैं सभी क्यूब्स हमारे बनके तैयार हो गए हैं और हम झटपट से इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए गैस पर ऑयल मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रखा है। यहाँ पर जो ऑयल हमें गर्म करना है वो धीमी गैस पर गर्म करना है। अब हम इसमें जो क्यूब्स बना के तैयार किए हैं बेसन के वो डाल देंगे और डालने के बाद धीमी गैस पर 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने देंगे। जब ये फ्राई होने लगते हैं तो ऑयल में काफ़ी सारे झाग उठने लगते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इन्हें फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लगते हैं धीमी गैस पर। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप इन्हें फ्राई करें तो धीमी गैस पर ही फ्राई कीजिएगा, तभी एकदम ये क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पर सभी जो हमारे क्यूब्स हैं वो फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा वाला वेज फ्राई करेंगे। तो क्यूब्स डाल देंगे ऑयल में और इनको फ्राई होने देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा वाला वेज है वो भी फ्राई हो गया है, अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से झटपट से बेसन के हमारे क्यूब्स हैं वो बन के तैयार हो गए। आपने आलू भुजिया खाई होगी तो उसमें जो नमकीन मठरी टाइप की निकलती हैं वो बेसन की होती हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से लगते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगते हैं। आपने लंबे समय तक स्टोर करके इंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज, आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी न्यू न्यू रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं अपने चैनल पर ऐसी न्यू न्यू रेसिपी बनाती रहती हूँ, तो उन सभी के लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन स्क्रीन में दे दिए, तो आप देख सकते हैं आ रही होंगी। आप इनको भी जाके एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।